हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में दो न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। और वो न्यूज़ जो निकल के सामने आई है, उसमें पहली जो न्यूज है वो ये जो कंपनी है वो फिलहाल जो अभी ज्वाइंट वेंचर के संदर्भ में जो अपना न्यूज़ निकाल के दी थी उस पर फिलहाल उसके टूटने पर मुहर लगाती हुई दिख रही है और ये टूटता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके बारे में कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं, उसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है अपने Q1 का जो रिजल्ट है उसके तैयारी में भी जुटते हुए दिखाई दे रही है और उसके बारे में भी कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं, उसे भी हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, उसके बारे में भी हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उसमें भी कुछ न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं या नहीं। इसके अलावा जो फ्यूचर रिटेल है उसके बारे में जो भी न्यूज निकल के सामने आई होंगी उसे भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 1 जुलाई को अपना लास्ट ट्रेडिंग सेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड है वो भी NCLT की प्रक्रिया से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये जो कंपनी सोमवार को ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देती है। जो ट्रेडिंग सप्ताह होता है उसका जो पहला दिन होता है उसमें ये ट्रेडिंग करते हुए दिखाई देती है, इसलिए ये 1 जुलाई को ही ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिली है। और जब 1 जुलाई को ट्रेडिंग हुई है उसमें ये 96 पैसे पे ही बंद होते हुए देखने को मिली है। हालांकि 5 दिन की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है एकदम फ्लैट 0% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ रही है। 1 महीने की बात करें तो 20% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा ये जो कंपनी है 6 महीने में की बात करें तो लगभग 13% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दी है, जबकि बात करें या टेल डेट की तो 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 साल की बात करेंगे तो 6.5% का ही पॉजिटिव रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। वहीं अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी कभी 100 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश करते हुए दिखाई दी थी, लेकिन इसके मैनेजमेंट की गलतियों के कारण और बहुत ज्यादा डेप्ट होने के कारण फिलहाल आज ये 96 पैसे के आसपास देखने को मिल रही है और अपने शेयर होल्डर को पैसे को लगभग 90% कम कर दिया है। अर्थात कोई भी शेयर होल्डर अगर 10 लाख रुपया लगाया होगा तो उसके पास मात्र और मात्र 10,000 रुपए ही बचे होंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है पूरा बर्बाद करके अपने शेयर होल्डर को छोड़ दिया है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी निकालिएगा, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी NCLT की प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई दे रही है। और जब भी कोई भी कंपनी NCLT की प्रक्रिया से गुजरती है तो उसमें 3 संभावनाएं निकल के सामने आती हैं, या तो उस कंपनी को डिलीस्ट कर दिया जाता है और या फिर उस कंपनी को लिस्ट करके रिलिस्ट करने की कोशिश की जाती है, या फिर जो जैसे ये कंपनी चलती रहती है उसे ही चलने दिया जाता है। लेकिन इस सब पे ये डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी इसे खरीदती है और उस कंपनी के द्वारा कौन सा जो रेशियो में निर्धारण किया जाता है और क्या निर्णय लिया जाता है, उन सब पे भी ये डिपेंड करता है। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। बात करें इसमें जो अनाउंसमेंट या न्यूज निकल के सामने आते हुए दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 29 जून को ये एक अपडेट निकल के सामने आया है और इसी में ज्वाइंट वेंचर के बारे में बताया है, जिसे अभी हम आगे डिटेल से देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें, ये जो 27 तारीख को जो न्यूज निकल के सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि ये जो कंपनी है 1 जुलाई से अपना ट्रेडिंग विंडो क्लोज करते हुए दिखाई दी है। और ये जो ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जो प्रमोटर हैं, जो प्रमोटर ग्रुप हैं और इसके अलावा जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं, इन तीनों के लिए फिलहाल ये क्लोज करते हुए दिखाई दिए हैं। और ये तब जाके फिर से खुलता हुआ दिखाई देगा जब Q1 का रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके 48 घंटे के बाद। अर्थात कहने का मतलब ये है, जैसे ही Q1 का रिजल्ट जारी होगा उसके 48 घंटे के बाद पुनः ये जो ट्रेडिंग विंडो है वो ओपन होता हुआ दिखाई देगा और इसमें जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी के साथ साथ जो प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप हैं उनके लिए नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होते हुए देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है 29 जून को ये न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो 19 जून को ये फैसला लेते हुए दिखाई दिए थे कि ये ज्वाइंट वेंचर तोड़ते हुए दिखाई देंगे और ये जो ज्वाइंट वेंचर पार्टनर थे हैं जो सेलेस्टियल जो ग्रुप था उसके, जिसे JV पार्टनर ज्वाइंट वेंचर पार्टनर बनते हुए दिखाई दिए थे, वो फिलहाल 28 जून को ये एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दिए हैं। अर्थात ये जो कंपनियां हैं उनके बीच ये ज्वाइंट वेंचर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये टर्मिनेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये जो टर्मिनेट हुआ है
उसके पीछे जो मेन कारण बताया जा रहा है कि ये जो फ्यूचर ग्रुप लिमिटेड है वो फिलहाल एफर्ट नहीं करते हुए दिखाई दे रही है, और ये जो कंपनियां हैं जो इसके साथ ज्वाइंट वेंचर करी हैं वो भी घाटे में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण ये फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड के अलावा जो ये हैं सेलेस्टियल ग्रुप लिमिटेड है और जो हिस्टोन जो स्वीट स्प्रिट लिमिटेड है, उन दोनों के बीच ये ज्वाइंट वेंचर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये फिलहाल 28 जून से इफेक्टिव होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अब ये जो दोनों कंपनियां हैं वो अलग अलग रास्ते पर जाती हुई देखने को मिलने वाली हैं, और इसका जो प्रभाव है इस कंपनी पर भी यानी फ्यूचर ग्रुप पर भी देखने को मिलेगा, और इसमें हो सकता है कि और भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाए। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे जो डिलीवरी पोजीशन की, जो 1 जुलाई को लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें कितना क्वांटिटी ट्रेड हुई थी और कितना डिलीवरी उठाया गया था, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10.5 लाख शेयरों के आसपास की इसमें ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी थी, और 10.5 लाख जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठाते हुए नज़र आए थे। और चूँकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी NCLT की प्रक्रिया से गुजरते हुए दिखाई दे रही है, और इस कंपनी पर पेमेंट डिफॉल्ट करने का भी आरोप लगता हुआ दिखाई दिया है, जिसके कारण इसकी ट्रेडिंग फिलहाल रोकी गई है, और उसके बावजूद भी इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ इसमें डिलीवरी उठाया जाना और क्वांटिटी ट्रेड होना यह बता रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं और जो अदर इन्वेस्टर हैं इसमें सोचे समझे पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर NCLT की प्रक्रिया से गुजरती है और पेमेंट डिफॉल्ट करती है तो उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर खड़ा होता है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इसमें सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वो फिलहाल डुबाने के अलावा और कोई भी काम करने वाली नहीं है। अब हम अगर बात करें दूसरे कंपनी है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं उसका नाम है फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड, और इसमें आज नॉर्मल ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये कंपनी भी NCLT की प्रक्रिया से गुजरते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन फिलहाल ये IRP स्टेज 0 में शामिल है, इसलिए इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। जैसे ही IRP स्टेज 1 में आएगी ये कंपनी भी फिलहाल ये इस पर ट्रेडिंग रुकते हुए दिखाई देगी, और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेगी। हालांकि 3 जुलाई को जब मार्केट बंद हुआ है तो इसमें 1.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, और ये 81 पैसे पे बंद होता हुआ देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें इस कंपनी के अनाउंसमेंट के बारे में, तो फिलहाल इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में 2 तारीख को कुछ न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें यह बताया गया है कि कमेटी की एक मीटिंग हुई है। इसके अलावा इसमें कोई भी अदर जानकारी ये देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब भी इसके संदर्भ में अपडेट निकल के सामने आएगा, कुछ जानकारियाँ निकल के सामने आएंगी, तो हम आपको वीडियो बना के जरूर बताएंगे। अब हम यहीं पर बात कर लें इसके डिलीवरी पोजिशन की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब 2 जुलाई को मार्केट बंद हुआ है तो यहाँ पे जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दी है लगभग 2.5 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है। ये कंपनी भले ही NCLT की प्रक्रिया से गुजर रही है, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं जो रिटेल इन्वेस्टर हैं इसमें भर भर के माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और न केवल अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं बल्कि पूरा का पूरा 100% डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में थोड़ा सा बचा के आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा बच के आगे बढ़िएगा, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है आपके पैसे को जीरो करने की पूरी क्षमता रखती है। हम अगर बात करें अगले कंपनी की, तो उसका नाम है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड कंपनी, और इसमें फिलहाल जब 1 जुलाई को लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ था उसमें 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया था, और ये जो कंपनी है 3.09 रुपये पे बंद होते हुए देखने को मिली थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल IRP स्टेज 1 में शामिल है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 1 जुलाई को ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दी थी, जिस दिन सोमवार था। और जब भी आपको हम बार बार बता चुके हैं कि जब भी कोई भी कंपनी NCLT की प्रक्रिया से गुजरती है और IRP स्टेज 1 में शामिल होती है, तो सिर्फ और सिर्फ जो सप्ताह का पहला ट्रेडिंग सेशन होता है, चाहे वो सोमवार हो या मंगलवार, उसी दिन इसमें ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलती है, और उसी दिन फिलहाल यहाँ पे ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें क्या कुछ इसमें न्यूज निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है या नहीं, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फिलहाल कोई भी इसमें न्यूज आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जो लास्ट न्यूज निकल के सामने आई थी वो 12 जून को निकल के आती हुई दिखाई दी थी, जिसमें सनवेंसी जो कमेटी है उसकी मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें कोई भी ऐसी अपडेट निकल के सामने नहीं आई है
इसको आपको बताया जा सके। अब हम अगर बात कर लें इसमें जो डिलीवरी पोजीशन उठाया गया है 1 जुलाई को जो ट्रेडिंग सेशन लास्ट हुआ था उसमें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई का डेट पड़ा हुआ है और इसमें 144,000 शेयरों की टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है और पूरा का पूरा डिलीवरी उसमें उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है कि भले ही इस कंपनी में NCLT की प्रक्रिया चल रही है लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उसमें भर भर के माल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी से दूर रहने में ही भलाई है और इससे कंपनी से जितना दूर रहिए उतना ही आपका पैसा सेफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।